पिक्चर चालू करो बे। देखिए अंजना जी, मैंने स्मृति जी के बयान को सुना। स्मृति जी ने एक प्रश्न चिन्ह लगाते हुए पूछा, क्या ये मर्डर प्लान सैंक्शन किया है क्या गांधी परिवार ने? स्वाभाविक है, गालियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री जी ने, शब्द कोश में ऐसा कोई गाली नहीं है जो प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग न किया गया हो। नहीं करता कि प्रधानमंत्री जी ने के खिलाफ कहे गए शब्दों की मैं निंदा करता हूँ, लेकिन विनम्रता से प्रधानमंत्री जी पूछना चाहता हूँ, ये भाषा की मर्यादा को लांघने का क्रम किसने प्रारंभ किया? बता बता भाई 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 मेरा भाई बता बता 2004 में आपने क्या कहा था सोनिया जी के लिए? डरती गाय और राहुल जी को हाइब्रिड बछड़ा था। फिर छत्तीसगढ़ की रैली में आपने क्या कहा? कांग्रेस का खून गंजा। राजस्थान में आपने क्या कहा सोनिया गांधी जी को? कांग्रेस की विधवा शशि थरूर जी की दिवंगत पति को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताया। अरे निकालो इस धर्मी को यहाँ से। सदन में रेणुका चौधरी जी को अप्रत्यक्ष रूप से सुर्पणखा बताया। अभी भाजपा के एक पूर्व विधायक अभी कहते हैं कमलनाथ के लिए कि उनको जो सड़कों पर लहू बहेगा खून बहेगा कमलनाथ का होगा। आपने उन्हें अभी रावण कहा, आपने उनकी औकात दिखाने की बात कही, उन्हें नीच कहा, ये सब कुछ भस्मासुर कहा, ये सब कुछ कहा, ये गालियों की श्रेणी में आती है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? मगर जब हत्या की बात होती है तो हत्या गाली की श्रेणी में नहीं आती है, हत्या षड्यंत्र की श्रेणी में आती है। और स्वाभाविक रूप से आप कहेंगे कि इसको हम ज्यादा खींच रहे हैं। हो सकता है कि राजा पटेरिया के मुंह से ऐसे ही निकल गया हो, या हो सकता है वो मीन नहीं करते हो जो वो कह रहे हो। मगर अंजना जी, आप सोचिए, करोड़ों लोग इस वीडियो को देखेंगे, कई लोग वहां मौजूद थे जो इसको सुन रहे थे, इस भाषण को सुन रहे थे। अल्पसंख्यकों को लेकर, धर्म को लेकर उन्माद फैलाने की कोशिश, तो मोदी जी की हत्या होनी चाहिए। यह एक सेंटेंस नहीं है, एक विचार है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। यह इसको एक वाक्य के रूप में मत देखिए। आप सोचिए, अगर इसी बात को सुनकर किसी के मन में सनक आ जाए कि अरे पचोरी पटेरिया जी ने बोला है, मैं करके दिखाऊंगा। ऐसे बहुत सनकी लोग हैं जी, ऐसे बहुत लोग हैं जो न जाने बंदूक उठा करके क्या करने को तैयार हो जाए। ठीक है भाई जी, क्यों उकसाना है अपने ही देश में लोगों को प्रधानमंत्री के खिलाफ? मोदी से नफरत कीजिए, लेकिन नफरत का अर्थ ये तो नहीं है कि सार्वजनिक मंच से इस तरह की भाषा पीएम के लिए बोला जाए। जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। देखो रॉकेट साइंस नहीं है, अब देश में जो थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स समझता है वो ये जानता है कि दीदी दीदी मैं सरकार में रहता पीएम पर हमला मतलब उन्हीं को फायदा। आपकी गालियों को जनता की तालियों में वो बदल लेते हैं, फिर क्यों करना है सर ऐसा? मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता दीदी, मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता दीदी। तो मैं जस्टिफाई कतई नहीं करूंगा इस बात की निंदा, चाहे वो कितना भी जस्टिफिकेशन दे, मगर ये भाषा स्वीकार नहीं। मैं संबित पात्रा जी से विनय पूर्वक पूछना चाहता हूँ, संबित पात्रा जी इस तस्वीर को पहचानते हैं? मुझे लगता है कि आप पहचानते नहीं होंगे, तो मैं बताऊंगा आपको कि कौन है ये शख्स। ये शख्स है गुजरात का जय भाई पटेल। जानते हैं क्या किया? भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री। आप तो कह रहे हैं हत्या की बात, तो भाषा स्वीकार नहीं प्रधानमंत्री जी की। राहुल गांधी की तो हत्या का, नृशंस हत्या का प्रयास किया बनासकांठा के गुजरात। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? उनका कसूर सिर्फ इतना था कि 3 दिन तक बाढ़ पीड़ितों को वहां के मुख्यमंत्री देखने नहीं गए, तो राहुल जी का हृदय द्रवित हुआ और वो देखने चले गए। इतनी बड़ी शिला उन पर फेंक कर मारी गई, उनकी गाड़ी शत शिक्षक हो गई। वो तो भगवान की कृपा थी, भोलेनाथ की कृपा थी कि कुछ क्षण पहले वो दूसरी गाड़ी में बैठ गए थे। इस कहानी को कहकर मैं इधर, हिंदुस्तान में दो चीजों की बात कभी नहीं करनी चाहिए, आदमी के रंग की और नेताओं के ढंग की। Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real.